मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भजन पंजवी सब कुछ आही तू ही राम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। बिन प्रभु माँ कुछ नाया। होयम अगे ना हाणे आया। पोए न हुंदस ये तो भाया। पोए अगे हाणे तू शाम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। माँ जी सूरत तो ई धारी। माए ना तो खान्यारी। तो में माँ जो अंत मुकाम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। तू ही इंद्रियों तन भी तू ही। तू ही बुद्ध चित मन भी तू ही। अंदर बाहर तू सुखधाम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। गुर समझायो ऐन इशारो। तू ही हरिया ही जग सारो। टेऊ तू सब जो विश्राम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। राग जोग भजन 25। सब कुछ आही तू ही राम। तो बिन प्रभु माँ कुछ नाया। ठीक है। राग जोग के इस भजन में गुरु महाराज जी ईश्वर परमात्मा की महिमा का बखान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हो आप ही हो। आपके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं। इस शरीर को मन बुद्धि इंद्रियों पर चेतना प्रदान करने वाले आप हो। आपसे पहले भी मैं कुछ नहीं था। होयम अगे ना हाणे आया। पोए न हुंदस इंगे तो भाया। आपके बिना भूत भविष्य वर्तमान में मेरा कोई अस्तित्व नहीं। पहले भी आप, अभी भी आप और उसके बाद भी आप। सारी सृष्टि के संचालन करने वाले हो। आपके बिना कुछ भी नहीं। मां जी सूरत तोई धारी। इस शरीर के अंदर बैठ करके आप ही नाना प्रकार के खेल खेल रहे हो। माँ आहे ना तो खान्यारी। आपसे अलग होकर के मैं का कोई अस्तित्व नहीं। आपसे ही मैं है। तो मैं माँ जो अंत मुकाम। आप में ही इस मैं का अंतिम मुकाम अंतिम स्थान है। इंद्रिय तन मन बुद्धि चित्त सब आप ही के द्वारा प्रेरित होकर आपकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं। अंदर बाहर तू सुखदाम। अंतर और बाहर सब जगह आप व्यापक हो। आप सुखों के सागर हो। ये गुरुदेव ने संकेत रूप में समझाया। गुर समझायो ऐन इशारो। तू ही हर आही जग सारो।
गुरुदेव ने संकेत दिया कि परमात्मा ही सब कुछ है, टेऊं तू सब जो विश्राम, आप में ही सबको विश्राम प्राप्त करना है। अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्राप्ति आप ही हो, आपको प्राप्त करके ही विश्राम की प्राप्ति होगी। तो इस भजन में गुरु महाराज जी ईश्वर परमात्मा की शक्ति और उसके सर्व व्यापकता का अनुभव करा रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश, पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम, अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश, सतनाम साकी।
प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषिणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा प्रवाणी हिंदी अमरा प्रवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।